मिथिला जनक है राजधानी। बंधी बंधा दुई नौकानी चौथे परमा सीता जन्म लीन जगमा। राजा जनक के बच्चे नहीं थे, उनके भाई की तीन बेटियां थी। उनके भाई की तीन बेटियां थी। राजा जनक के कोई संतान नहीं था, सूखा पड़ा और हल जोते, उसमें से सीता माँ का अवतार हुआ। जब सीता माँ 10 साल की हुई, एक दिन अपने पिता से मचला के कहती है, पिताजी पिताजी। कह क्या क्या बात है, बोलो बोलो क्या बात है। कह पिताजी, कह बोलो बोलो बेटी क्या बात है। शर्माते शर्माते डराते डराते कहती है, क्या कहती है, अरे सिया दुलारी बिटिया, सिया दुलारी बिटिया, खेल जा बहाज फुलवारी, सिया दुलारी बिटिया। आज हमार मन कहत बा कि हम जाए चली फुलवारी में घूम टहर के आई जाए। ना ना ना, तुमको फुलवारी नहीं जाने दूंगा। क्यों पिताजी क्या बात है, क्यों? कहे बाबू हम जाएंगे। कहे अच्छा बेटी, जब तुम जिद करी हो तो अपने तीनों बहन को साथ में ले लो और उसे साथ में जाना, अकेले कभी मत। तो सीता जी खुशी के मारा गए अपने बहनी के दो तीनों चटक लड़की रहा है उनका। कहीं आओ चली आओ चली, कहीं कहा, कहीं बाबू से आशीर्वाद ले ले, आदर ले ले, चले मरे, कहीं चले चल को कहीं ना, कहीं कहा, कहीं फुलवारी में, फुलवारी में चली जाती सीता जी। तो हुआ कहा हो, अरे नहीं तो पहाड़ हुए नहीं ना आवना, सीता जी माटिया के बाना है के लावना। माटी लेके सुंदर बनेला बनवा, जतोला बनवता सीता जी माटी बटोरी मुही में अपन हिया से फिर लड़किया बनाव लगिन वही गाता माटी में चारों जली खेल किया बनाई बढ़िया से।
भैया तो बालक के अंदर ज्ञान पहिरा दी ज्ञान पहिरा दी लड़का इसे खड़ा हो गया माई 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 कहे जा अरे माई बताओ मेरा कहाँ मत गवना सीता जी माटिया के बाद माई माई कहा लाग लड़किया अब सीता जी नाम के विचारों सोचत यहाँ के अरे राम हो अब भाई हम घरे जा तो मैंने इनका कहा कही है और माई माई के जो पछुआए बा सब लड़कियां हैरानी है चारों बहन हैरानी है कब एक का करी कैसे करी एक घरे कैसे लेके जाई हम कहा अपन मुहला दिखाई अरे मुने राम हो लड़किया का कहा भाई हमारे गाँव बतावा अखिल हमका बतावा हम कहाँ जाई का यार मोरी माई रे माई अरे मोरी माई रे माई बोला के करे दुआरे समझाई अरे मोरी माई रे कावन माई मोके तेल पुकावा लगाई कावन माई ये कावन माई मोके बतिया पुकाई कावन माई हमारे साथ नहीं चलना है बहन को कहती है क्या बेटा उत्तर नगर बसो तुम उसे जंगल का भूत बनो अरे कहना माता मैं उस जंगल की भूत नहीं बनूंगा कहन फिर कहन राज भाग चीते हमको खा डालेंगे कहन नहीं बेटे तुम उसे जंगल का भूत बनो कोई मार दिया तुम्हारा एक बूंद भी खून गिरा तो तुम अपने मन का रूप बन जाओ जितनी तुम्हारी खून के बूंद गिरेगी उतना तुम्हारा काया तैयार हो जाएगा और तेरा रक्ता सुर नाम पड़ेगा कहना माई कहना कह तो कह ठीक है माई अब जा तू अब हम जाते हैं
क्या कहे, चल ढेर लड़किया। सीता जी अपने घरे गए, लड़किया चल जाता कोटा से बने में। अरे लाला न चला अजू के माता के चारा माई। अब जा कहीं कह जा बेटा, तुमको कोई मार नहीं पाएगा, कह कोई नहीं मार पाएगा, कह नहीं, कह हाँ माई, कह नहीं। अपने माता से तिरवाचा बनाता है, जब तीसरी बार माता से कहता है तो माता कहती है क्या, कह बेटे जिस दिन तुम अपने परिवार का, अपने माँ की ममता भूल जाएगा, उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। रक्तासुर खुशी से माता का आशीर्वाद लेके चल देता है। और धीरे धीरे पहुंचा देखा जंगल उसका नाम हुआ और उसके मुकाबले कोई वीर नहीं है, इतना बड़ा भाकड़ वीरवान रक्तासुर हुआ। इधर राम, रामचंद्र जी सीता की शादी हुई, रामचंद्र जी अयोध्या जीत के आए और सीता माँ से कहते हैं, सीता ए सीते अब आके मेरी बाह की पूजा करो, अब आके मेरी बाह की पूजा करो, मैं चक्रवर्ती अपने पिता की गद्दी पे बैठना चाहता हूँ, वे चक्रवर्ती थे और मैं भी चक्रवर्ती हूँ, रावण को मैंने जीत के आया हूँ, मार के आया हूँ, हमारे मुकाबले कोई है नहीं, मैं चक्रवर्ती हूँ रानी सीता की, मेरी बाह की पूजा कीजिए। सीता जी हेलो, हम आपके बाह की पूजा करें, आप जीत लिए सारी दुनिया, मैं बिल्कुल दुनिया जीत लिया हूँ, अब आके मेरी बाह की पूजा कीजिए, मैं चक्रवर्ती की गद्दी पर चक्रवर्ती बन के बैठने जा रहा हूँ। सीता मत भगवान राम अपने सारे अयोध्या नगर में, पूरी दुनिया में बढ़िया से न्योता पढ़ा दिए हैं कि अब मैं चक्रवर्ती की गद्दी संभालने चल रहा हूँ, आप लोग आइए, बहुत बड़ा नया उत्सव होगा।
तो नर नारी सब जुट के गावा थी का गावा थी अरे आजू या जो दिया माँ आजू या जो दिया माँ लड़का और है उसको आप जाके जीत के आइए। कहें कहाँ है लड़का तुम्हारा? अरे कहें लड़का लड़का किसका है किसका नहीं इससे नहीं मालूम, लेकिन जाके बता जीवन में रक्ता सुर है मर्यादा पुरुषोत्तम जी, जाके उसको जीत के आइए, तब मैं तुम्हारी माँ की पूजा करूंगी, नहीं तुम्हारी माँ की पूजा नहीं करूंगी। इतने में बजरंग बली जब सुने तो भाई लहन गदा ताव में आई गए। कहन भगवान राम कहन का कहन कहन प्रभु कहन का कहन मैं अकेले जा रहा हूं, उसको सालों को भी लेके आता हूं। अरे वह गरज चले भैया गरज चले देखा अंजनी के लाल भगवान राम निगाह से ध्यान देते हैं कि हाँ अब रावण से कौन बड़ा बलवान है। जब ध्यान देते हैं उनके ध्यान में आता है कि ये तो माता सीता जी का वरदानी है। वह हनुमान जी से कहते हैं कि अरनाही हनुमान ऐसे कारा जी ना का मा कई बारी
लक्ष्मण और भरत को ले लीजिए, तब वहाँ पे जाइए, तब उसको काले को मार के ले आइए आप लोग। तो हनुमान जी सारी सेना सजाते हैं और राम लक्ष्मण भी सारी, भरत लक्ष्मण भी सारी सेना पे जाते हैं वहाँ और पहुंच गए कोटाक्ष वन के अंदर। जब कोटाक्ष वन के अंदर जाके ललकारते हैं जंगल में, तब वो रक्त बीज चलता है, देखे कौन आके ललकार रहा है। अरे मुझे कौन ललकार रहा है, अब मेरे बन में आके ललकार रहा है। रक्त बीज चलता है, सीना तान के पहुंचता है, कहता क्या है, पहुंचे रन के अंदर चलाई रक्त बीज लहरी, भारत लक्ष्मण का भाई के बहावे चलरी। ऐसे डगरिया पकड़े फेंक दे दंड, लक्ष्मण पहुंचे उन्होंने ऐसे पकड़े चंगरी फेंक दे, हनुमान जी पहुंचे गदराई के ललकारे उनको भाग केड़े में बांध दे। जब ये लोग आए कि अयोध्या में गिरे तो माता सीता द्वारे भारत रहन, जब देखें कि हमार देवर दोनों भाई के हमारे द्वारे के करे तनी और बात हो कि जो हमारे देवर का इतना फेंक दे कि आए कि हमारे द्वारे गिरे, तब माता के याद आई को रक्त बीज इतना गलत काम कर दिया, आज ये इतना गलत काम कर दिया कि अपना सब कुछ भूल गया और मेरी ममता भी अब भूल जाएगा। ये माता से नहीं रहा गया, गुस्से में आ गई एकदम, अरे लई के हाथ में कटार, लई के हाथ में कटार लिहिन रही आसीदार, गई जंगल भीतरिया के अंदर। जब रण के अंदर पहुंचे रक्त बीज के आए, निकल के आओ, कौन है जंगल में, कौन हमारे देवर को फेंक दिया, अरे निकलो, कौन है, कौन है, कौन है। अब रक्त बीज जब आता है, जब रक्त बीज जाता है तो भूल जाता है माँ की ममता, बिसर जाता है कि माँ ने मुझको क्या वरदान दिया है। सीता माँ से युद्ध करता है, जब सीता माँ कटार से उसको मारती है तो जिसका खून गिरता है उतना रक्त रक्त से रक्त सुर रक्त सुर रक्त सुर रक्त सुर बहुत रक्त तैयार हो जाते हैं और सीता माँ लड़ते लड़ते थक जाती हैं। अब उनकी हारने की नौबत आ जाती है सीता माँ को, जब उनकी हारने की नौबत आ जाती है तो करती है क्या, ध्यान लगाती है ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पति को कि अब क्या करें, हमने वरदान इनको दिया था। तो ध्यान में उनके आया कि जितना खून तेरे गिरेगा उतना रक्त सुर तैयार हो जाएगा। तो सीता माता ने काली का रूप पकड़ा और हाथ में खप्पर उठा लिया, जब खप्पर ले लिया तो जितना खून गिर रहा है माता रोप ले रही है और उनके लड़ते लड़ते शरीर काली हो गई, वहीं उनका नाम क्या पड़ गया, काली काली।
का नाम। सीता माता का नाम काली हो गया, काली जी का जन्म वहीं से हुआ। लड़ते लड़ते जितना मारे रक्तासुर को रोक लेती है, खून जब जमीन पे नहीं गिरता है तो रक्तासुर दूसरा नहीं तैयार होता है। जब दूसरा नहीं तैयार होता है तो माया माता जी मारते मारते काटते काटते जब थक जाती है, एकदम उनके शरीर काली हो जाती है और शरीर से आग निकलने लगती है, आग। अरे ब्रह्मा विष्णु भगवान भागते हैं, जाके विष्णु के पास जाते हैं। अरे कहते कहन भैया 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 कहन कहा, अरे कहन वहां देखा, कहन कहा देखी यार, कहा देखी हम आपकी, आगे भैया 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 लगाए। अरे कहन देख बया, अरे कहन वह सीता जी के देहिया से आग निकल तो पूरी दुनिया बच जाए। जब लखन निकास से कहन कि तो हमरे बस के बाहर बा, कहन फिर कहना तेरी शंकर जी के लगे। अब शंकर जी ध्यान लगाए कैलाश पर्वत पे बैठा है, जब ध्यान लगाए कैलाश पर्वत पे बैठा है अब ब्रह्मा विष्णु महेश वो पहुंच गए। अरे कहन भैया कहन का यार, तुझे भगतों में खलल डाल दे यार, खानों में भावा भंग करता। अरे कहन सुनगा, कहन कुछ ने सुना बात चाहिए से, कहने भैया सुना, कहन का भा। अरे कहन वहां देखा पृथ्वी तो का होता बा, जब देखे कहन हाँ यार ये तो पूरी दुनिया भस्म हो जाए, इतनी तेज लव है ये तो पूरी दुनिया भस्म हो जाए। कहन फिर कहन जा विष्णु जाते ना भी जा, तो राम क्या तुम तो यहाँ ना राम हो के पैदा था, जा अपने महाराज को समझावा। अरे कहना राम ना जा, हम भस्म हो गया भाई। कहन ब्रह्मा भेज दे, ब्रह्मा कहन हम जावा। तब शंकर जी जाते हैं, शंकर जी जाते हैं और एकदम नंगा धीरंगा होए के रण के अंदर उतर के सीधा सीधा लेट जाते हैं। जब सीधा सीधा लेट जाते हैं, माता मार काट मार काट मार काट कर रही है, उनके अंदर से ज्वाला निकल रही है, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि रण के अंदर कौन आके लेटा है। चलते 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 शंकर जी के छाती के ऊपर उनका पाँव पड़ जाता है। जब छाती के ऊपर पाँव पड़ता है तो उनकी जीभ माता की निकल आती है, ऐसे देख करके अरे अरे क्या हो गया, आ करती है, जीभ निकल आती है। उसी स्थान पे माता जी का नाम हो जाता है महाकाली। जब महाकाली नाम हो गया तो ब्रह्मा कहते हैं अबे जाएंगे कहां, कहन ठंडी तो हो गई ना, कहन ठंडी तो हो गई लेकिन ये जाएगी कहां, जहां जाएगी वहां इतना तेजा इनका है कि जल की भस्म हो जाएगा, इतनी आंच निकल रही है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सब जल जाएंगे। कहन फिर कहन अगर ये हिस्से हिस्से में पूरी दुनिया में जा करके हर गांव में अगर ये बस जाए तो तभी कुछ काम बनेगा। कहना कहन हाँ, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि शंकर जी से इशारा करते हैं इनको पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न जगहों पर टहला दो। Yeah.
बाद जा करके हर गांव में, हर गांव में जितने गांव थे हर गांव में काली के रूप में बस गई। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम और सबकी दिव्यता थी वो सब दूर हो गई। आज फिर माता की हर गांव में गौसठ के रूप में पूजा होती है। वही माता काली बनी, वही माता महाकाली बनी। इन दोनों का अवतार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ।